कौशाम्बी के सरायकेल थाना क्षेत्र के ग्राम इमली गांव में जीत ने अपनी भाऊ और उसकी बच्ची पर जानलेवा हमला किया। उसे बचाने के लिए गए बहनोई और उनके बच्चे को भी परिवार वालों ने धारदार हथियार से मारा, जिससे सर पर काफी गंभीर चोटें आईं। महिला ने बहनोई और लड़कों के साथ सरायकेल थाने में तहरीर दी, सभी का इलाज जारी है। काफी समय पहले महिला के हस्बैंड की मौत हो गई थी। महिला की 3 बेटियां हैं। महिला का नाम रेणु त्रिपाठी है। उनका आरोप है कि जेठ देवर और उनके बच्चे मिलकर महिला को अक्सर पीटा करते हैं। कि जमीन के लिए मेरी मम्मी से जमीन की वो मतलब कह रहे हैं कि जमीन का दमाया नाम लिख दो, और शादी के लिए बाबा वो कर रहे थे तो मम्मी मेरी जमीन नहीं लिख रही थी, कहें कि मेरी लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं, इन लोगों को कैसे वो करें, तो कह बार बार कह रहे हैं लाओ सफ़ेद कागज ने कह रहे हैं साइन करो, ये करो, जमीन लिख, खेत बारी मेरे खेत में ज़बरदस्ती, जब मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं, मेरे पापा ख़त्म हुए 12 साल हो गए हैं, ज़बरदस्ती मेरे खेत में टिब्बे लगवा लिए, उसमें भी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं की, हम कह जाने दीजिए घर का मामला है, हम लोग को भी सीजने के लिए होगा, तब भी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, हमको घर का मामला है रहने दीजिए। उसके बाद फिर मेरी मम्मी से बार बार साइन करवा रहे हैं, मम्मी साइन नहीं कर रही हैं, तो हम लोग को मारने के लिए मतलब लड़ाई गाली कुत्ता ये सब कर रहे हैं। तो जब हम अपने मौसी मौसा को बुलाए, भाइयों को बुलाए, तो उन लोग को वो लोग समझाने के लिए बुलाए, तो मेरी मम्मी बाहर चली गई, वो उनको लोग हम फ़ोन कर दिए, तो वो मम्मी मेरी बाहर चली, मेरी छोटी बहन जो ये है इसको लेटा के बेड पे पाइप पाइप खूब मारे, जो पंखे की राड होती है उसमें से मारे उनको, तो मैं मौसा लोग हम लोग समझाने लगे, तो उनको समझाने से पहले मेरे जो बड़े पापा हैं वो उनके ऊपर टूट मतलब डंडे लाश टूट पड़े मारने के लिए, और जब वो मारने लगे तो फिर हम लोग भी नहीं वो हुए, हम लोग भी दिए, लेकिन वो उन लोग को मार दिए, मेरे पापा का सर फट गया, मेरे भाई बाइक रख लिए हैं, फ़ोन तोड़ दिए, मेरी मम्मी का कान नोच लिए, उनका कान का बाला टूट गया। तो बताइए अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे सराय थाना आए, तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एसओ जो है वो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं एसओ महोदय जी? एसओ कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अपना जब मेडिकल तुम्हारा करवा देंगे, जाओ घर काम होगा, वो उधर से भी उनकी तरफ को दिए पैसा दे दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगर नहीं सुनवाई होगी तो फिर आगे भी जाएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम तीनों लोग अपने लिए जान दे देंगे। अगर घर में गए, घर पर रहने भी नहीं दिया जा रहा है, घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, मेरा मेरे गेट का ताला हम लोग पूरा घर उसी तरह खुला है, पूरा बर्तन सर्तन सब वैसे ही पड़ा है, अगर नहीं कोई कार्रवाई होगी तो फिर हम लोग को वहाँ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है, ये सो होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अलका त्रिपाठी है। गांव? गांव इमली गांव। थाना? थाना सरायकेला।